परसेंट रहा। अब आप खुद ही इवेल्युएट करिए अपने आप को कि आपने अगर इसमें एक सेकंड से फालतू समय ले लिया तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब भी नहीं, सिलेक्शन तो छोड़िए सिलेक्शन के बहुत करीब भी नहीं। यानी कुल मिला के अगर हमें ये वहम आ गया, कह रही है तो हमारे को आ गया, ये तो बहुत आसान चीज है, तो पेपर आपसे टाइम पे पूरा कभी नहीं होने का, क्योंकि जो स्पीड वाली चीजें हैं ना वो एक दिन में तैयार नहीं होती, वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कम पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है रोज पूरा 10 घंटे पढ़ा जाए, एसएससी इतनी डिमांड भी नहीं करता, कम पढ़िए चलेगा, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उस पर उतनी मेहनत से उतनी लगनता से पढ़िए। आज घर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने ये कुछ दिखवाई है, अपनी मर्जी से फ्रैक्शन लिखे फिर मल्टीपल होंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतरीन खिलाड़ी निकल के आएंगे आगे पूरे अरिथमेटिक के लिए। और अरिथमेटिक पेपर में मुश्किल नहीं होता, अरिथमेटिक टाइम बचाने के लिए आता है। तो ये आप पे और मुझ पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितना टाइम अपना बचा लेते हैं। इसलिए कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करी जाए, ठीक है। आज मैं इस सेगमेंट को यहीं छोड़ रहा हूं ताकि जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको दिक्कत है, वो एटलीस्ट चीजें धीरे धीरे आज प्रैक्टिस कर ले और उनको ग्रैप्स करने की कोशिश करें। कल से हमारी क्लासें पूरी प्रॉपर टाइम स्टार्ट होंगी, प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट होंगी। तो मेरा आप सबको नमस्कार, आप सब मेहनत करें, पढ़ें, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।